Ladies and gentlemen, I am back. जय श्री महाकाल दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, है ना। इससे रिलेटेड वापस आपके लिए एक पार्ट फोर लेकर आ गए हैं। हमने इससे पहले जो पार्ट थ्री था उसमें हमने जो वीट डिजीज थी उसके बारे में पढ़े थे, उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए, वो हम अगली पार्ट में हम उसको कवर कर लेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसीज ऑफ शुगर कैन, है ना। जो शुगर कैन में होने वाली डिसीज होती है उनके बारे में हम जानकर पढ़ने वाले हैं। और आपको मालूम है कि आपका जो शुगर कैन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में, वो चाहे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपकी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपका BSc जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि गन्ने में रेड रोट लाल सड़न रोग, जो गन्ने में रेड रोट या लाल सड़न रोग होता है किसके द्वारा होता है। जो गन्ने में लाल सड़न रोग है, रेड रोट रोग है, किसके द्वारा होता है, आपका कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यह आपका कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, लाल सड़न के लक्षण पहले कहाँ पाए जाते हैं। जो लाल सड़न रोग होता है दोस्तों, इसके जो लक्षण होते हैं, जो सेट्स होते हैं, मतलब तना होता है उसके ऊपर, जो पहली जो आपकी थर्ड और फोर्थ लीफ होती है, मतलब कि तीसरी या चौथी पत्ती पर इसके विशेष प्रकार के लक्षण इसके दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन विशिष्ट लक्षण, इसके जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वे कहाँ दिखाई देते हैं। तो इसके विशिष्ट लक्षण जो होते हैं दोस्तों, वो आपके इंटरनोट्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ दिखाया गया है, एक मैंने एक चित्र बनाया, रुको आपके लिए न्यू चित्र बना लेते हैं, है ना। ये आपका गन्ना है ना। अब गन्ने में क्या होता है कि आपको जो इंटरनोट्स होते हैं ना, इंटरनोट्स में जैसे कि आपका लाल सड़न रोग है तो इसमें क्या ना, अंदर ये लाल लाल पदार्थ इसमें भर जाता है ना। ये आपका नोड है ना, इसके बीच वाली स्पेस है, इसको हम इंटरनोट के, है ना। तो इंटरनोट्स के बीच में है ना इसके विशेष लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो गन्ने के लाल सड़न रोग के विशेष लक्षण कहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं, तो इंटरनोट्स के बीच में दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो लक्षण है आपके इंटरनोट्स में ही दिखाई पड़ते हैं ना। और है ना, जो लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं, इंटरनोट्स में दिखाई देते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, एक माइसेलियल ग्रोथ होती है। इनकी जो ग्रोथ होती है वो माइसेलियल ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ग्लोबोस और पेरेथेसिया, ग्लोबोस और पेरेथेसिया किस रोग में पैदा होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि ये जो ग्लोबोस और पेरेथेसिया वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपका। वैसे क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा चुका है कि गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो गन्ने का लाल सड़न रोग आपके किसके कारण होता है, आपका कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। और जो गन्ने का लाल सड़न रोग है इसको लाल विगलन नाम किसने दिया था दोस्तों, तो आपके ईजे बटलर, जो कि प्लांट पैथोलॉजी के पितामह हैं। कौन? ईजे बटलर, जो कि आपके प्लांट पैथोलॉजी के पितामह हैं इंडिया में, है ना। उन्होंने इसको लाल विगलन नाम भी दिया है। क्या? लाल विगलन, है ना। तो इस रोग को लाल विगलन नाम किसने दिया है, लाल सड़न रोग को आपके ईजे बटलर ने नाम दिया है ना। ग्लोबोस और पेरिथीसिया किस रोग में पैदा होते हैं, तो ग्लोबोस पेरिथीसिया किसमें, रेड रोट में पैदा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाल सड़न के कारण, जो लाल सड़न रोग होता है उसके कारण, कारण मतलब कि किस प्रकार से होता है। आप यदि मोनोकल्चरिंग करेंगे तो होगा, बार बार आप रटून क्रॉप जो होती है आपकी उसको यूज करेंगे तो उससे आपको लाल सड़न रोग जो होता है वो अधिक होता है। जल भराव अधिक है तो उसके कारण भी आपको लाल सड़न रोग होता है। तो आपको यदि लाल सड़न रोग से निजात पाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मोनोकल्चरिंग को रोकना होगा। रटून फसल जो होती है, यदि कोई फसल आपके किसी साल में, किसी फसल वर्ष में यदि आपको कोलेट्राइकम फाल्केटम के कारण लाल सड़न रोग हो गया है, तो उस वर्ष आपको रटून फसल नहीं रहना है ना। जल भराव, अधिक जल भराव नहीं होने देना है ना। फिर बात क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाल सड़न की खोज किसने की थी। तो लाल सड़न जो रोग है आपका, इसकी खोज आपकी 1893 में, है ना, जो वेंटर नामक वैज्ञानिक है उन्होंने 1893 में जावा इंडोनेशिया में की थी। कहाँ पर की थी, जावा इंडोनेशिया में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट, रेड रेड को, जो रेड रोड होता है इसको लाल विगलन नाम किसने दिया, तो रेड रोड को लाल विगलन नाम आपने आपको किसने दिया था, ईजे बटलर ने दिया था। कब दिया था, 1906 में, है ना। तो रेड रोड को लाल विगलन नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ईजे बटलर के द्वारा
सिक्स में दिया गया ना, 1906 में इसको आपका क्या नाम दिया गया था, लाल बिगला नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है गन्ने के लाल सड़न के कारण। जो गन्ने के लाल सड़न के कारण अकाल कब हुआ था, जो गन्ने जो है आपका गन्ने के लाल सड़न के कारण अकाल कब हुआ था, मतलब कि जैसा कि हम बोलते हैं ना बंगाल फेमिन के नाम से जानते हैं, धान का भूरा धब्बा रोग है उसको हम किस नाम से नाम जानते हैं, ब्राउन स्पॉट रोग को बंगाल फेमिन के नाम से जानते हैं, जो कि 1943 में हुआ था। वैसे ही गन्ने के कारण भी एक अकाल हुआ था, उसको हम जो अकाल हुआ था गन्ने के कारण, वह अकाल क्या था, कब हुआ था आपका, 1940 में हुआ था। और दूसरा अकाल जो हुआ था ना वो आपका हुआ था 1946 में, मतलब 39-40 में पहला अकाल और 46-47 में दूसरा अकाल। दोस्तों जो आपके नोट्स होते जैसे कि डाटास होते हैं, डाटा क्या ना आप एक बार पढ़ने पर आपको याद नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए इन डाटास को आप क्या है आप नोट कर लीजिए, कर लिया करें, मतलब इनको केवल जो डाटा होते हैं इनको नोट कर लीजिएगा, ताकि आप इनको बार बार पढ़ें और उससे आपको डाटा याद हो, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा देखा गया है कि यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन लेती है या कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लेती है डाटा बहुत ज़्यादा पूछती है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रॉट का उपचार किससे किया जाता है, तो जो रेड रॉट होती है आपकी इसका उपचार के लिए हम 1% बोर्डो मिक्सर का उपयोग करते हैं। 1% बोर्डो मिक्सर जो होता है इसके द्वारा उपचार करके हम जो है रेड रॉट से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक रोग जो डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज होती है आपकी रोगरोधी वेराइटीज, जैसे कि CO8102, CO8421 है ना, इनके द्वारा भी हम जो है इनको लगाकर भी हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल हम जो है रेड डॉट का किस प्रकार करते हैं, तो जैसे कि आप ट्राइकोडर्मा हाइजेरियम, कीटोमियम वेराइटी और फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मी है ना, जैसे कि आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल किसके कैसे किया जा सकता है, तो आपका एक सबसे पहले तो आप ट्राइकोडर्मा हाइजेरियम का उपयोग कर सकते हैं, कीटोमियम वेराइटीज का उपयोग कर सकते हैं और फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मी का उपयोग भी कर सकते हैं, है ना। इसके इनके उपयोग से क्या होता है आपकी जो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाता है, जैविक कंट्रोल हो जाता है ना, कैसे ट्राइकोडर्मा हाइजेरियम है ना और कीटोमियम वेराइटीज होती है, फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका 12 क्वेश्चन कि सबसे पहले कहाँ पाया गया, जो आपका रेड रॉट सबसे पहले भारत में कहाँ देखा गया, तो रेड रॉट आपका सबसे पहले 1901 में गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में देखा गया था। कहाँ पर देखा गया, गोदावरी के डेल्टा में आंध्र प्रदेश में इस रोग को सबसे पहले देखा गया। यह बीमारी कैसी है, तो बीमारी कैसी दोस्तों, एंडेमिक है, एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। पर्टिकुलर एरिया से मतलब कि जैसा आपका यूपी, बिहार, कुछ एमपी के कुछ एरियाज में है ना, इन एरियाज में क्या होती है, पर्टिकुलर एरियाज में बीमारी होती है एंडेमिक है ना। पेंडेमिक जो कि बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में है ना, वो होती है। और एंडेमिक क्या होती है, पर्टिकुलर एरिया में होती है। पेंडेमिक जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई बीमारी होती है पेंडेमिक होती है ना। एपिडेमिक जो कि एक क्षेत्र विशेष में होती है लेकिन बहुत होती है ना। और कितनी उपज घटाती है, जो आपकी रेड रॉट होता है ये आपकी फसल की कितनी उपज को घटा देता है, तो दोस्तों आपका जो रेड रॉट होता है आपकी कितनी उपज घटा देता है, 50% आपकी जो उपज होती है फसल की घटा देता है। इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, तो रेड रॉट की तीन स्टेज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसकी जो तीन अवस्थाएं होती है कौन कौन सी अवस्थाएं होती है ना, सबसे पहली होती है पेरेनेशन, क्योंकि कोनिडिया प्लांट की कोनिडिया वाले भाग जो होता है उस कोनिडिया प्लांट के भाग पर होता है ना प्राइमरी। अब पेरेनेटेशन में क्या होता है, कोनिडिया प्लांट के भाग पर पाया जाता है किसी भी भाग पर है ना। प्राइमरी स्टेज मतलब इंसेक्ट लीफ ओवर, प्राइमरी स्टेज जो होती है इसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है लीफ ओवर ये इसकी सहायता करता है। सेकेंडरी में जो होता है पायरेला कीट इसकी हेल्प करता है, पायरेला वही लीफ ओवर जो कीट होता है ना। रोकथाम कैसे की जाए, तो आपकी गन्ने के रेड रॉट की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है, रोगरोधी वेराइटीज जैसे कि आपकी CO8461, CO1007, CO561, CO104 इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सैनिटेशन के द्वारा जो पैथोजन होता है उसको निकालने से, निकाल देने से, सैनिटेशन के द्वारा पैथोजन को निकाल देने से, जैसे कि आपकी
और बोर्डो मिक्सर का उपयोग करने से फसल चक्र को अपनाने से इस प्रकार आप क्या होते हैं इस रोग से निजात पा सकते हैं या फिर इसका कंट्रोल कर सकते हैं। सैनिटेशन से पहले तो पैथोजन निकालना, मतलब कि जो फसल होती है उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप रटून को लेते हैं, रटून को अपना लेते हैं, लेने की बजाय जो होती है सारे जो रटून के लिए जो अवेलेबल टुकड़े होते हैं उनको टुकड़े होते हैं उनको क्या होता है निकाल देना चाहिए, है ना। इस प्रकार आप कर सकते हैं। गन्ने का कंडवा रोग, गन्ने का कंडवा रोग किससे होता है तो अस्टिलेगो सिटेमेनिया, अस्टिलेगो सिटेमेनिया के द्वारा कौन सा रोग होता है आपके गन्ने में? कंडवा रोग। कोलेटोटाई का फाल्केटम के द्वारा कौन सा रोग होता है अपने गन्ने में? तो होता है आपका रेड रेड डॉट रोग। और गन्ने को गन्ने में जो कंडवा रोग होता है ना, गन्ने में कंडवा रोग होता है मतलब स्मट ऑफ शुगर कैन, है ना। स्मट ऑफ शुगर कैन किसके द्वारा होता है? एस्टिलेगो सिटामिनिया के द्वारा होता है। एस्टिलेगो सिटामिनिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? कंडे का कंडवा रोग होता है। एस्टिलेगो जीनस क्या होता है? लार्जेस्ट जीनस है ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसकी 400 स्पीसीज पाई जाती है। एस्टिलेगो जीनस क्या है? लार्जेस्ट जीनस है ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसकी कम से कम 400 स्पीसीज पाई जाती है। यह सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो यूपी, बिहार, पंजाब और एमपी में। सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? तो यूपी, बिहार, एमपी और पंजाब में। किस तरह का होता है? तो ब्लैक पाउडरी स्पोर वाला होता है ये, कि इसके स्पोर कैसे होते हैं गन्ने के कंडवा रोग के? ब्लैक और पाउडरी स्पोर से होते हैं। एस्टिलेगो सिटामिनिया आपको याद रखना है, फिर इसको कहाँ जा देखा गया ज़्यादा आपको ये याद रखना है। उसके बाद में इसकी कितनी स्पीसीज है? एस्टिलेगो जीनस जो लार्जेस्ट जीनस है ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी 400 स्पीसीज है। ब्लैक पाउडर स्पोर्स ये बनाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। हाँ, एक बात बताना आपको भूल गए थे कि जो शुगर केन रेड डॉट हो, शुगर केन जो है फंगल फंगल डिसीज है ना, फंगस के द्वारा होने वाली डिसीज है, फंगी रेड रॉट। और शुगर केन का जो रेड रॉट होता है कैसा रोग होता है आपका? फंगल डिसीज ये होती है। इसका मैंने आपको बता दिया है कि किसके द्वारा होता है? कोलेटोटाइको फाल्केटम फंगल के द्वारा, फंगस के द्वारा होता है, जो कि एक बीजोड़ रोग होता है। किसका होता है? सीड बोर्न रोग ये होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कंडवा की, कॉमन इसमें की कंडवा है कॉमन इसमें जो कि एस्टिलेगो सिटामिना के द्वारा होता है, है ना। एस्टिलेगो सिटामिना जो कि एस्टिलेगो सिटामिना के द्वारा होता है। एस्टिलेगो जो जीनस है क्या होगा आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहला बड़ा जीनस है, 400 स्पीसीज में पाई जाती है ना। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि पाइनएप्पल सीड रोट, जो पाइनएप्पल सीड रोट होता है ये आपको सेरोटोसाइटिस पैराडॉक्सा के द्वारा होता है। सेरोटोसाइटिस जो पैराडॉक्सा होता है इसके द्वारा आपको कौन सा रोग होता है? पाइनएप्पल सीड रोट होता है। ये रोग कैसा होता है? पाइनएप्पल सीड रोट ये भी आपका फंगल रोग, फंगल डिसीज होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, एक डिसीज होती है रटून स्टंटिंग। रटून स्टंटिंग जो डिसीज होती है ये बैक्टीरियल डिसीज होती है। रटून स्टंटिंग जो डिसीज होती है आपकी कैसी डिसीज होती है? बैक्टीरियल डिसीज होती है ना, जो कि लिपिस्ट्रिया जाइली या सब स्पीसीज जाइली के द्वारा होती है ना। लेप्सेटिका, हाँ, लिप्सोटिका जाइली सब स्पीसीज जाइली के द्वारा होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वायरल डिसीज जो होती है। वायरल डिसीज जैसे कि आपको जो गन्ना होता है उसमें एक वायरल डिसीज होती है, कौन सी होती है? मोजेक ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन मोजेक वायरस के द्वारा। फाइटोप्लाज्मा डिसीज, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा कुछ डिसीज होती है ना, जो कि आपकी क्रेसी सूट ऑफ शुगर कैन है ना। रेड रॉट की बात कर लेते हैं, रेड रॉट आपके किसके द्वारा होते हैं? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। थर्ड और फोर्थ लिप पर इसका जो है आपको निकाय दिखाई देते हैं, उसके बाद में वाइट पेचेस बनने लगते हैं इसके सेट्स पर। और आप देख सकते हैं ये आपके जो होता है इंटरनोट्स के अंदर जो है रेड रेड कलर का दिखाई देता है, इसमें हम इसको पहचान सकते हैं कैसे होते हैं।